हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोफिया। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने सामान लिया है। ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं मैंने। ये मैंने चीज़ लिया है अमूल का है। ये हम ज़्यादातर सैंडविच में यूज़ करते हैं। इसमें मैंने 2 तरीके की चीज़ लिए हैं, एक के वाला चीज़ लिया है और एक मैंने आपका मोज़ेला चीज़ लिया है। और इसमें सामान के लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च एक बारीक काट रखा है, टमाटर बारीक काट रखा है, कॉर्न लिया है, इसे मैंने उबाल लिया है, क्या कहते हैं, कुकर के अंदर 1 सीटी के बाद 5 मिनट इसके दाने, प्याज ली है एक मीडियम साइज की, इसको चॉप कर रखा है। और इसमें मसालों के लिए ये ऑर्गेनो है, चाट मसाला है, टमाटर सॉस है, काली मिर्च है, नमक है आपका। आप सॉस जो है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस सॉस नहीं है तो आप उसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो फिर आपको टमाटो सॉस की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको दोनों ऑप्शन इसमें बता दिए हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना जो है ब्रेड पे अपने ये स्लाइस वाला चीज़ इस पर लगा लेते हैं, सारे अपने चारों ब्रेड पर, चारों पीसेस इसके। इस तरीके से पहले हम अपना सारे ब्रेड पे अपना चीज़ रख लेंगे। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होता है, इसलिए आप सबसे पहले अपने ब्रेड पे अपना चीज़ इस तरीके से लगा लीजिए। इसके बाद हम अपना एक बाउल लेते हैं। ये मैं आपको तवा पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ, ब्रेड तवा पिज़्ज़ा। इसमें हम अपनी सारी सब्ज़ियाँ एक साथ इसमें मिक्स कर लेंगे। टमाटर अपनी, शिमला मिर्च, प्याज और अपना कॉर्न, कॉर्न थोड़े से ले लीजिए आप। और इसमें अपने थोड़े मसाले, अपने चाट मसाला, काली मिर्च, काला नमक, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा आप, जितनी आपको ज़रूरत हो। आपका ऑर्गेनो ये मैंने आधा चम्मच लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसको अच्छे से, इसको सारे मसाले इसमें डाल के अपनी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम अपना एक साइड में रख देंगे और अपने ब्रेड को लेंगे। ब्रेड पे आप अपने चीज़ रखने से पहले इस पर अपना सॉस लगा लें इसमें अच्छे से, इसमें इसे अच्छे से फैला लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है आपका। इस तरीके से आप अपने चारों पीसेस पर अपना सॉस लगा लें। इस तरीके से आप अपने चारों पीसेस पर अपनी सॉस लगा लें। पिज़्ज़ा सॉस आपको मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी भी सुपरमार्केट में आपका ये मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। वैसे आजकल लोग, वैसे भी जनरल स्टोर पे भी लोग बहुत ही रखने लगे हैं ये सारा सामान आपका। इसके बाद हम अपना चीज़ इस पर रखेंगे अपने पीसेस पर। ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है, इसलिए थोड़ा ये परेशान करता है। अब हम इसमें अपनी सारी सब्ज़ी लगा देते हैं। आप चाहें तो जो मोज़ेला चीज़ है इसी सब्ज़ी में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो इसके ऊपर से डाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी सारी सब्ज़ी अपने ब्रेड पे लगा देंगे अच्छे से। हमारी सब्ज़ी लगाने के बाद अब हम इसमें अपना मोज़ेला चीज़ इसके ऊपर से डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी ये बहुत अच्छा लगता है।
और इसे बनाना भी आसान है, आप इसे घर पे इजीली बना सकते हैं। बहुत ही ये हमने अपना सब इसमें सेट कर दिया है। अब हम अपना तवा लेंगे, ये हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा अपना मक्खन लगा लेंगे, उसके बाद अपने ब्रेड के पीसेस को रखेंगे इस पर। बहुत ही हल्का सा आपको मक्खन इस पर लगाना है। मक्खन हम इस वजह से लगाएंगे कि हमारे ब्रेड के पीसेस में चिपके नहीं और इसमें जले नहीं। ये हमें बहुत ही ये इस पर आपको सिम गैस पर ही बनाना है, कम से कम आपको ये 10 मिनट के लिए आपको इसे बनाना है। इस तरीके से आप अपना इसको सेट कर दीजिए और इसे आप सिम गैस पर 10 से 12, 12 से 15 मिनट के लिए, जब तक आपका चीज़ एकदम मेल्ट नहीं हो जाए इसमें और आपका थोड़ा सा कैप्सिकम तो खैर आपका बहुत ही जल्दी गल ही जाता है, टमाटर वगैरह ये सब बहुत ही, और इसे गलाना भी नहीं है, इसे बस हल्का सा नम करना है, थोड़ा सा सॉटे करना है। इसको हम थोड़ा ढक कर बनाएंगे और सिम गैस पर बनाते हैं। ये आपका ब्रेड पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। आप इस पे से इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर इसे सर्व करें, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपी को लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे।